टीथ क्लीनिंग, डेंचर, डेंटल ज्वेलरी, फेशियल एस्थेटिक सर्जरी, रूट कैनाल, फ्लैप सर्जरी की दुनिया का अनुभवी नाम डॉक्टर पुनीत कालरा, डॉक्टर शिवानी कालरा, कालरा डेंटल केयर एंड फेशियल ट्रॉमा सेंटर, आनंद हॉस्पिटल या ओशा कॉम्प्लेक्स, इवेस चौराहा, मेरठ। ऑनलाइन दवा कारोबार को बंद कराने की मांग करते हुए आज होलसेलर एंड रिटेलर केमिस्ट एसोसिएशन ने मोर्चा खोल दिया है। मेरठ में हुए पश्चिम उत्तर प्रदेश के दवा व्यापारियों के सम्मेलन में कहा गया कि यहां सवाल केवल व्यापार का नहीं है, बल्कि इससे होने वाले 2 करोड़ लोगों को बेरोजगारी से बचाने का है। यह लड़ाई सरकार के खिलाफ नहीं, बल्कि जनता के हित में है। चिकित्सक जब अपनी लिखी हुई दवा अपने संस्थान में ही रखेंगे, वह किसी अन्य मेडिकल स्टोर पर नहीं मिलेगी, तो मरीज व तीमारदारों को दवा लेने के लिए मजबूरन चिकित्सक के पास ही आना पड़ेगा। इसमें पैसे व समय दोनों की ही बर्बादी है। इस मौके पर मौजूद मेरठ कैंट विधायक व विधानसभा की प्रतिनिधित्व विधायन समिति के सभापति अमित अग्रवाल ने इस गंभीर मुद्दे को सरकार तक पहुँचाने का आश्वासन दिया। इससे पहले मुख्य संरक्षक गोपाल अग्रवाल ने राधा गोविंद मंडप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह कहा, दरअसल जो ताकत हमारी है, जो लोग सामने बैठे हुए हैं, जो आंदोलन का आधार है और दवा व्यापार की भीड़ है, इन लोगों को थोड़ा सा ये भी मन के अंदर विश्वास पैदा करना होगा कि आप मात्र व्यापारी नहीं है। दवा का व्यापार अपनी जीविका के लिए तो व्यापार है ही, इस व्यापार के माध्यम से आप जनता की सेवा भी करते हैं। रोगियों के लिए दवा की आपूर्ति को जारी रखा। मैं मेरठ का जानता हूं कि मेरठ में हमने 10 व्यापारी साथियों को कोरोना से बिछड़ते हुए हमारे जब बिछड़ के चले गए, परंतु एक भी दवा के दुकानदार ने ऐसा साहस नहीं टूटने दिया कि उसने सेवा में कहीं कमी आने दी हो या आप लोग के लिए। इस मौके पर मौजूद कैंट विधायक अमित अग्रवाल ने यह कहा, कोई 15% डिस्काउंट देता है, कोई 20% देता है, कोई 25 भी दे देता है, लेकिन कहते हैं बड़ी जगलरी है इस व्यवसाय में। ऐसा लगता है कि लागत कुछ आती नहीं हो, जैसे लागत कुछ आती नहीं हो। डॉक्टर को 25-30-40% तक ऑफ है, इसको कमीशन कह दीजिए, ऑफ कह दीजिए, और 20-30% आप ब्लो MRP दे देंगे, तो 40 और 20 60% तो हो ही गया। दवा भी बनेगी, पैकिंग भी होगी, ट्रांसपोर्टेशन भी लगेगा, और विज्ञापन का खर्चा सबसे ज़्यादा बड़ा है। तो वो हम अपनी संस्कृति पास करके कमेटी की, कि कमेटी संस्कृति करती है कि सरकार इस पर कार्रवाई करे, तो निश्चित रूप से फिर वो लागू होगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ।